तो आज हम देख रहे हैं फोटोशॉप के ऊपर शेफ्स का क्या काम है। तो यहाँ पे हम क्लिक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शेफ्स के लिए एक लिख लिया शेफ्स। देखिए शेफ्स का ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ पर, इन टूल्स के अंदर। यहाँ पे 2 सेकंड दबा के रखेंगे तो यहाँ पर ही आपको सारे शेफ्स मिल जाएंगे। यूजुअली ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, क्लिक करेंगे शेप पर और ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर दूसरा शेप ले लें, राउंडेड रेक्टेंगल, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम आएगा एलिप्स और इसको ड्रॉ करने में, कि जब आप एलिप्स ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ड्रॉ, लेकिन एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह स्क्वायर के लिए भी शिफ्ट का बटन होल्ड करना पड़ेगा, और क्लिक करके ट्राइंगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ट्राइंगल में जब आप ड्रॉ करेंगे इजीली, ये इस तरह का ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है जिसके कॉर्नर्स आप देख रहे हैं राउंडेड हैं। और शार्प कॉर्नर के लिए चाहिए तो ट्राइंगल लेने के बाद यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो आप कर देंगे 0, और ये देखिए 0 अप्लाई, ये रहा, सॉरी रेडियस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसको 0 कर देंगे, ये इसकी आउटलाइन थी 2 पिक्सल की, ठीक है। और अब देखिए जितना इसको मोल्ड करना है, इसके रेडियस को यहाँ बताते जाएंगे उतना ये कॉर्नर्स को इसके राउंड करता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले शेप के ऊपर जो हमारा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में ये उसके राउंड रेडियस है और ये उसके कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर और रेडियस में फर्क है तो उसमें किस तरह से हमें देखना है, तो इसको देखने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ से हमने इसको इस तरह से ट्राइंगल्स में 3 कोनों में बनाना है, 4 कोनों में बनाना है तो स्कोर स्क्वायर बनेगा, 5 कोनों में बनाना है तो यहाँ से बताएंगे इसको ये बनेगा इस तरह से, 6 कोनों में बनाना है तो फिर हम बनाएंगे इसको इस तरह से, और 7, 8, 9 जितने कॉर्नर्स पे इसको बनाना है वो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, सही। अब जो भी शेप आप बना रहे हैं हर शेप की एक अलग लेयर है, उस लेयर पे क्लिक करेंगे आप, डबल क्लिक करें तो ये कलर बॉक्स खुल जाएगा। यहां से जो कलर उसके अंदर फिल करना है क्लिक करें, ओके कर दें, वो कलर उसके अंदर फिल हो जाना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, हम उस पे लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से उस शेप को लेके फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं, ये उसके अंदर कलर फिल हो जाएंगे जो भी उससे रियल, ये एक ही लेयर पे इतने सारे बनने हैं, ठीक है। और अगर उसमें कोई ग्रेडियंट डालना है तो यहाँ से ग्रेडियंट शेड्स मिल जाएंगे, आप इजीली उनके अंदर ग्रेडियंट शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसका स्ट्रोक ख़त्म करना है तो यहाँ से नो स्ट्रोक करेंगे, स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा मतलब आउटलाइन। और अगर स्ट्रोक देना है तो यहाँ से आप स्ट्रोक दे सकते हैं कोई भी, और यहाँ से क्लिक करके उसकी जो स्ट्रोक की थिकनेस है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। फिर स्ट्रोक की जो आउटलाइन है उसको यहाँ से डैश्ड में या डॉटेड में जिसमें चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रोक दोबारा से जो यूजुअल करना है तो 1 पिक्सल या इसका भी 0.5 पिक्सल, और स्ट्रोक नहीं देना है तो यहाँ से नो स्ट्रोक, और अगर स्ट्रोक देना है तो यहाँ क्लिक करके, यहाँ से क्लिक कर दें स्ट्रोक पर और यहाँ क्लिक करके नो फिल कर दें तो ये अंदर से ब्लैंक हो जाएंगे, सही है। जिस शेप के साथ भी आपने करना है उसकी लेयर को सिलेक्ट कर लें, ये देखिए यहाँ से, और उस पर डबल क्लिक करें। अगर वो यहाँ से कलर फिल हो जाता है, वैसे हो जाएगा यूजुअली, अभी नहीं हो रहा है किसी वजह से, शायद इसमें पहले से कलर नहीं दिया था हमने तो ठीक है, वरना यहाँ फिल में जाके आप यहाँ से इसके अंदर कोई भी कलर फिल आउट कर सकते हैं और यहीं से नो फिल भी कर सकते हैं, स्ट्रोक भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात,